अब हर शनिवार रविवार रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन, नई अनलॉक गाइडलाइंस जारी। यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि वो सप्ताह के आखिरी दिनों यानी कि वीकेंड्स पर लॉकडाउन को लागू करेगी ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने कहा कि वीकेंड पर लॉकडाउन का नियम आने वाले शनिवार से ही लागू हो जाएगा और कम से कम जुलाई महीने में तो लागू रहेगा ही रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि लॉकडाउन शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू होगा। अब बात करते हैं अनलॉक गाइडलाइंस की। शनिवार और रविवार को प्रदेश में सभी मार्केट और ऑफिसेज बंद रहेंगे, हालांकि बैंक खुलेंगे और सभी जरूरी सामानों से जुड़ी दुकानें और प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी जगहें बंद रहेंगी। वहीं गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन के समय यानी कि शनिवार और रविवार को वीकेंड्स पर सभी मार्केट में सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रोज 50,000 कोविड-19 टेस्ट करने का भी आदेश दिया है। टमाटर हुआ और लाल, देश में आसमान छू रहा भाव। देश भर में टमाटर की खुदरा कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को खुदरा बाजार में टमाटर 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। दिल्ली में टमाटर 1 जून से सप्ताह दर सप्ताह 10-10 रुपए प्रति किलो महंगा हो रहा है। ये वृद्धि न सिर्फ असंगठित खुदरा बाजार में हो रही है बल्कि मदर डेयरी के सफल स्टोर और बिग बास्केट व ग्रोफर जैसे ई विक्रेताओं के यहाँ भी तेजी से देखी जा रही है। कारोबारियों ने बताया कि उत्पादक राज्यों से आपूर्ति ठीक न होने के कारण थोक मंडियों में भी भाव टमाटर के भाव ऊपर चले गए हैं। वहीं मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि टमाटर की कीमत में उतार चढ़ाव खराब मौसम की वजह से हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, कोरोना 100 साल का सबसे बड़ा संकट, लेकिन अब पटरी पर लौट रही इकोनॉमी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। इस वायरस की वजह से उत्पादन और नौकरियों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। इसने दुनिया भर में मौजूदा व्यवस्था, श्रम और कैपिटल के मूवमेंट को सुस्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति की तरफ लौटने के संकेत दिखने लगे हैं। लॉकडाउन के तहत लागू विभिन्न प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद गतिविधियां बढ़ी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी अनिश्चित है कि आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से कब शुरू होगी, मांग की स्थिति सामान्य होने में कितना समय लगेगा और ये महामारी हमारी संभावित वृद्धि पर कितने लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है, ये देखने की बात है। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का